भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बुद्ध स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री ने बोधि वृक्ष एवं आनंद बोधि वृक्ष की भी पूजा की। बौद्ध भिक्षु बुद्धानंद बंते ने मुख्यमंत्री को पूजा अर्चना कराई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्मृति पार्क स्थित पाटलिपुत्र करुणा स्तूप में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि के सामने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर विश्व शांति तथा राज्य एवं देश की समृद्धि व अमन चैन की मंगल कामना की। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा तथा बोधगया व श्रीलंका के अनुराधापुरम से लाए गए बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने बुद्ध शांति परिसर में ध्यान किया और परिक्रमा भी की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, साथ ही कई अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे थे, बस गई नहीं तो हम लोग बराबर यहाँ पर आते रहे हैं। पार्क को विकसित भी किया गया है। आगे सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। और उसके बाद से जो सारा काम किया तो आज से कई साल पहले ये बन करके तैयार हो गया। अनेक प्रकार की सुविधाएं और हम लोग बराबर आते रहे हैं, लेकिन ये 2 साल से ही कोरोना वाला जो चक्कर आया उसी में आने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज फिर आने में बहुत मन को खुशी हुई। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका हर चीज़ को फिर से, जब हम पहले बराबर देखते रहते थे, कोई भी चीज़ नया करते थे, चाहिए म्यूजियम का भी था, तो आज तो खैर म्यूजियम को बंद किए हुए हैं, लेकिन और म्यूजियम में भी स्कूल के बच्चे बच्चियों के लिए किया गया है। जगह जगह से लोग आकर के देखे और इस म्यूजियम को देखे और भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी और उन सब चीज़ों के बारे में मिले, ये सब किया गया है। और जो आप देखते ही है कि एक एक जगह पर जिस तरह से विकसित किया गया है, बोधि वृक्ष लगाया गया है, तो आप सबको मालूम है कि एक एक तरह से सब तरह की सुविधाएं की गई है और काफ़ी लोग इसमें प्रसन्न हैं। और जो यहाँ पर पहले, और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि बुद्धिज्म को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ हुआ, तो सब तरह से यहाँ पर किया गया है और एक खास जगह विकसित किया गया है। तो आज फिर आने पर मुझको बड़ी खुशी हुई। आज तो जानते ही हैं कि आज तो भगवान बुद्ध की स्मृति का दिन है, तो आज तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब देखेंगे तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझेंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे, विकास में ठीक से काम करेंगे और एक एक चीज़ को जानेंगे समझेंगे। तो इसलिए इस बात को देखना, और जानते ही हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आप जानते ही न हैं कि दुनिया के कितने देशों में भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो एक खास बात है, एक खास बात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।